नमस्कार 24 आवर्स टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आइए रुक करते हैं आपकी बड़ी खबरों पर। बरेली में बड़ा हादसा, मिलकर वापस आ रहे डीसीएम हाई टेंशन लाइन में टप हो गया, जिससे आग का गोला बन गया। इस हादसे में 9 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान हालांकि एक युवक की मौत हो गई है। मीरनगंज के गांव दौंत आलमपुर में सुबह तड़के ये हादसा हुआ है। काशीपुर से चैती के मेले से वापस आ रहे थे। गाड़ी में 12 लाख रुपये कैश होने की संभावना जताई जा रही है। होटल का सामान भी जलकर खाक हो गया है। बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट। मूलभूत सुविधाओं से दूर गांव फिर भी ओडीएफ घोषित। सरकार द्वारा निकाली गई तमाम योजनाओं को लेकर पीएम दावा कर रहे हैं कि शहर के हर एक गांव को सभी योजनाओं का लाभ देकर ओडीएफ घोषित किया है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें कि पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम ढाका, जो कि अच्छी आबादी का गाँव है, पर इस गाँव में आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ, फिर भी इस गाँव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि गाँव में ना तो लाइट की सुविधा है, हालांकि लाइट के लिए पोल तो लगा दिए गए, पर लाइट आज तक नहीं आई। गांव में मोबाइल की नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। शिक्षा की अगर बात करें तो स्कूल तो है, लेकिन गांव से 5 किलोमीटर दूर। ऐसे में शिक्षा को लेकर छात्रों को 5 किलोमीटर सफर तय करना होता है। अगर गांव के रोड को हालत देखा जाए तो बस से बदतर है। गाँव की सड़क पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। ग्रामीण को सड़क पर जल भराव समस्या भी से जूझना पड़ता है। ऐसे में लोगों का इस सड़क से निकलना दोबर हो गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा निकाली गई तमाम योजनाओं का लाभ गांव ढाका के ग्रामीणों को नहीं मिल पाया, तो सिर्फ एक आश्वासन। पीलीभीत से संजय शुक्ला की रिपोर्ट। पूरी समस्या है हमारा, ना बिजली है, ना मकान है, ना लैटरिन है, ना टावर है, कुछ नहीं है हमारा। पूरा मामला अधूरा पड़ा हुआ है। पहला दो पैसा दिया था, फिर बाद में पैसा दिया नहीं। हमारा रहने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे रहेंगे, जंगल एरिया है। हमारे गांव में अन्य समस्या है, जैसे कि यहां पे सड़कें नहीं है, बच्चे को पढ़ने लिखने की समस्या है, फिर औरतें जो है कि खेत में जाते हैं स्वास्थ्य करने के लिए जंगलों। हमारे गांव में हर प्रकार से हर तरीके से सुविधाएँ असुविधाएँ है, जैसे कि कोई रोड नहीं है, रोड के लिए हमें दिक्कत होती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए दिक्कत होती है। एक तो सरकारी स्कूल में है, वहाँ पे भी मतलब कि टीचरों की कमी है और बच्चों की हालत इतनी बुरी तरीके से है। गरीब बेटियों की शादी में दहेज देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले दो भाई गिरफ्तार। रामपुर सहित उत्तराखंड में फर्जी कार्यालय बनाकर गरीबों से लूट चुके थे करोड़ों रुपए। गरीब लोगों से शादी में दहेज देने के नाम पर धोखाधड़ी करने के कार्यालय खोलकर करोड़ों रुपए समेट कर फरार हो गए थे, जिसमें उत्तराखंड के काशीपुर पुलिस ने दोनों ठगों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया। वहीं रामपुर के केमरी में भी इनके खिलाफ पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रामपुर, मुरादाबाद, उत्तराखंड के रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर जैसे अन्य जगहों पर एजेंट बनाकर गरीब लोगों के सत्यधाम, सामाजिक सेवा और जन कल्याण, लोगों के नाम सत्यधामिक सहित नाम पर करीब 15,000 लोगों को जोड़कर उनसे पैसा लेकर फरार हो गए। रामपुर से हारून पाठक की रिपोर्ट। जी, हमें सत्यधाम सेवा समिति कंपनी ने हमसे पैसे लिए, 1,77,000 रुपये जमा करो और आपको हम सामान देंगे, बाइक समेत दहेज का। अब हमारे घर पर शादी आ गई 11 तारीख की, तो दे ही नहीं दिया सामान। 1 साल हो गया फार्म भरवाया, बोले तुम्हें जो है दहेज मिलेगा, तो हमने भरवा दिया, मतलब शादी में मतलब दहेज मिलेगा, मैं पैसे जमा कर दो, तो हमने 70,000 रुपये जमा कर दिए। अब हमारे घर पर शादी है 12 तारीख की, तो आप बताओ हम क्या करें, आपको क्या है, नहीं पैसे, नहीं पैसे दे रहे हैं, नहीं दही दे रहे हैं, क्या करें बताओ। शादी करते उनकी बेटी शादी लायक होगी तो तब उनको ये पैसे जो है एक काइंड में इन काइंड जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के रूप में दिए जाएंगे। तो इसी जब ये स्कीम जो है काफ़ी देर से चल रही थी और लोगों को लगातार इनके द्वारा सामान दिया जा रहा था, लेकिन स्कीम का जो है सडनली इनके पास पैसे की कमी या अन्य कोई गड़बड़ी होने पर ये स्कीम चालू नहीं रख पाए और जो मानव सेवा संस्थान है वहाँ पर कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। आजम खान ने खुला चार्ज लगाते हुए कहा कि जो पैसा बटा है भारतीय जनता पार्टी का, वो पुलिस की उस गाड़ी में आया है जो यहाँ के स्थानीय नेता की मिली है। आजम ने सीबीआई और इंटरपोल की जांच की मांग की है कि नोएडा और दिल्ली से पैसा बटने के लिए पुलिस की गाड़ी में आया। आजम ने मांग की है कि एसपी और डीएम की गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की गाड़ियों में हैकिंग मशीन आने की सूचना है। रामपुर से अरुण पास की रिपोर्ट।
DMSP अगर मंडी समिति के करीब से भी गुजरते हैं उनकी गाड़ियों की तलाशी होना चाहिए। पुलिस की गाड़ियों में हैकिंग मशीन्स आने की सूचना है, किसी किस्म का डिवाइस नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मैं कितने वोटों से जीत रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कम से कम 2,00,000 वोट मेरे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की बर्बरता की वजह से मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ और कहर तोड़ा गया है, उसकी बिना पर मेरा तकरीबन 2,00,000 वोट खराब हुआ है जो नहीं पड़ सका है। इसके बावजूद भी पूरा देश जानता है कि मैं कितने वोटों से जीत रहा हूँ। अयोध्या जनपद में जागरूकता अभियान के तहत आज एक अभिनव प्रयोग किया गया, जिसमें 73 एयरक्राफ्ट जनपद के लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करते हुए मतदाता जागरूकता के संदेश छपे पंपलेट मतदाताओं के बीच गिराए गए। इस अनूठे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एयरक्राफ्ट को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हरी झंडी दिखाकर जिला निर्वाचन अधिकारी पाल ओझा ने रवाना किया। साथ रहे जनपदीय मतदाता जागरूकता अभियान के आइकॉन डॉक्टर लड़को को भेजा निहाल रजा एयरक्राफ्ट उड़ा और उसमें एक के बाद एक सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2 चक्कर लगाकर 20,000 से अधिक पंपलेट गिराए। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज झा ने बताया कि 6 मई को मतदान से पहले यह जागरूकता अभियान अंतिम कार्यक्रम है। अयोध्या से विशाल अग्रवाल की रिपोर्ट। जनपद में 6 तारीख को मतदान होना है फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और 12 मई को गोसाईगंज जो असेंबली सेगमेंट है उसमें मतदान होना है। तो इसके दृष्टिगत अधिक से अधिक लोग यहाँ पे मतदान करें। तो सभी जो विधानसभाएं इसमें जा रही हैं पोलिंग में, उसमें एयरक्राफ्ट के माध्यम से मतदाता जागरूकता के जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, हैंडबिल्स हैं, उनको गिराने के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। महोबा जिले में पुलिस कार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में पुलिस जीप चला रहे प्राइवेट ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एसआई सिपाही और पीआरडी का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल सिपाही को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया, जहां पर उपचार चल रहा है। मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। माना जा रहा है कि पुलिस अवैध बालू ले जा रहे थे, ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ। महोबा से देव सोनी की रिपोर्ट। जा चुका था तो थाने में 4-5 लोग थे, तो दरोगा जी थे राम सुंदर और एक कांस्टेबल विक्रम, एक पीआरडी के जवान हैं और एक हरनारायण जी थे। तो मदद के लिए इनको बुलाया जाता था, तो फोर्स नहीं था तो चालक के रूप में। मामला महोबा जिला के चक्रारी डायट का है, जहां छात्राओं को पेटकल के नंबर में कम देने का आरोप है। अपने चहेतों को 99 और योग्य व प्रतिभावान छात्राओं को 60 नंबर दिए गए, जबकि प्राइवेट कॉलेज के छात्र छात्राओं को 90 दिए गए। जबकि मेरिट और गवर्नमेंट डायट से मेरिट हो रही है, जिसमें डायट के विद्यार्थियों का भविष्य चौपट हो रहा है, जबकि रिटेन में नंबर अच्छे हैं, प्रैक्टिकल में कम दिए गए। दूर दराज से छात्र पढ़ने आते हैं इसी आशा और उम्मीद से कि मैं डायट से शिक्षा ले रहा हूं, पर डायट प्रचार संतोष कुमार सक्सेना की तानाशाही से छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। महोबा से देवंत सोनी की रिपोर्ट। कितने नंबर आए आपके? 64 नंबर दिए गए। और आप मेरे इंटरनल मार्क्स देखते हैं, बहुत कम नंबर दिए गए मुझे इंटरनल, और जबकि एक्सटर्नल नंबर में मेरे इतने हाईएस्ट नंबर है, जबकि मेरी लिखित में मेरी 90.57% पहुँच रही है। बुलंदशहर न्यायालय परिसर में लगी भीषण आग। बुलंदशहर जिला न्यायालय में लगी है भीषण आग। आपको बता दें कि अब तक नहीं पाया जा सका आग पर काबू, तमाम सरकारी दस्तावेज जलकर हुए खाक। जिला जज DM सहित तमाम जिले के आला अधिकारी मौके पर, चारों तरफ भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल। अग्निशमक विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। कोर्ट चैम्बर में लगी हुई है आग, दरवाजे खुलने के बाद भी पता चल पाएगा नुकसान का ग्राफ। फिलहाल न्यायालय परिसर में आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बुलंदशहर से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए 24 आवर्स टुडे न्यूज। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।